ये रियल ये फोटो, रियल ये मैंने फोटो, ये मैं स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला स्टेटस था, डाला था, रैंक भी रैंक बताऊंगा भी बताऊंगा आपको आपको, ये व्हाट्सएप ये का व्हाट्सएप का स्टेटस है। स्टेटस देखो है। देखो ये ये कोई कोई नेट नेट वगैरह वगैरह का का नहीं नहीं है, है, मोबाइल मोबाइल से से खींचा खींचा हुआ। हुआ। देखो देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू क्वालिफाइड क्वालिफाइड जे जे एडवांस एडवांस 2018 2018 विद विद डिटेल्स डिटेल्स गेयर। गेयर। हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, दिस दिस आयुष आयुष एंड एंड यू यू आर आर वाचिंग वाचिंग आईआईटीएन आईआईटीएन स्पीक्स। स्पीक्स। आई आई एम एम योर योर फिजिक्स फिजिक्स एजुकेटर। एजुकेटर। अब अब बात बात करते करते हैं हैं 2018 2018 की, की, जब जब मैंने मैंने अपना अपना पहला पहला जे जे एडवांस एडवांस का का अटेम्प्ट अटेम्प्ट दिया दिया था, था, और और मैंने मैंने अपना अपना जे जे एडवांस एडवांस क्रैक क्रैक किया किया था था सिर्फ सिर्फ 1.5 महीने1.5 महीने में। में। ये ये बातें बातें थोड़ी थोड़ी जादुई जादुई लग लग रही रही है है ना ना कि कि ये ये कैसे कैसे है, है, हाउ हाउ इज इज दिस दिस पॉसिबल। पॉसिबल, ये ये तो तो झूठ झूठ है, है, विद्या विद्या कसम। कसम। ठीक ठीक है, है, एंड एंड हाउ हाउ इट इट हैपेंड हैपेंड पूरा पूरा मैं मैं डिटेल डिटेल में में आपको आपको बताऊंगा। बताऊंगा। 1.5 महीने1.5 महीने में में क्यों, क्यों, मैं मैं आपको आपको पूरा पूरा अच्छे अच्छे से से बताता बताता हूँ। हूँ 2018 2018 में में जेई जेई मेन्स मेन्स और और जे जे एडवांस एडवांस दोनों दोनों के के एक एक ही ही अटेम्प्ट अटेम्प्ट होते होते थे। थे। मैंने मैंने क्या क्या किया किया था, था, जेई जेई मेन्स मेन्स एग्जाम एग्जाम दिया दिया था, था, और और मैंने मैंने आप आप लोग लोग को को बता बता भी भी रखा रखा है, है, या या जो जो स्टॉक स्टॉक की की वीडियो वीडियो में में बताया बताया मैं मैं काफी काफी डिस्ट्रैक्टेड डिस्ट्रैक्टेड था था 11th 12th 12th11th 12th में, में, जिसकी जिसकी वजह वजह से से मेरी मेरी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बहुत बहुत खराब खराब हो हो गई गई थी। थी। 11th इलेवेंथ की की स्टार्टिंग स्टार्टिंग वॉज वॉज वेरी वेरी गुड, गुड, बट बट 11th 12th 12th इलेवेंथ का का एंड एंड 12th 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 12
आउट ऑफ 360। तब सीबीएसई बनाता था, 2018 की बात है, ये लास्ट ईयर है जब सीबीएसई ने बनाया था, 133 मार्क्स आए थे और 133 में कोई अच्छा एनआईटी नहीं मिलने वाला था। और आईआईटी तो तुम भूल ही जाओ कि आईआईटी तैयारी क्या हो सकती है। मेरे बाकी सारे स्टूडेंट्स जो 150 से कम मार्क्स लेके आए थे, उन्होंने कह दिया कि भैया मेरे से आईआईटी नहीं निकलेगा, हम बिट्स की तैयारी कर रहे हैं, हम वीआईटी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई जे एडवांस आईआईटी तो वो लोग निकालते रहे जिनके 180-200 मार्क्स आए। मैंने खुद को टेस्ट करने के लिए क्या किया, मेरे भैया भी आईआईटीएन है, तो मैंने भैया ने 2016 में जे एडवांस क्रैक किया तो आईआईटी गए थे, तो मैंने सोचा एक बार 2016 का क्वेश्चन पर लगा के देखें। सारे जो जिनके 150 मार्क्स आ रहे उन लोगों ने गिव अप मार दिया, मैंने 133, बट मेरा मन नहीं था गिव अप मारने का, मैंने सोचा कि बार पेपर सॉल्व करके देखें। भगवान कसम मेरे से पूरा जे एडवांस का पेपर 5 से 10 मिनट में सॉल्व हो गया। इसका रीजन ये था क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पाया, एक भी क्वेश्चन मेरे को ये कॉन्फिडेंटली कह सकूं हाँ ये क्वेश्चन पूरा आता है ए टू जेड, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने सोचा जिस पेपर में मेरे से +4 मार्क्स नहीं बन पा रहे उसको मैं कैसे क्रैक करूंगा, कैसे मैं आईआईटी जाऊंगा। मेरे पास बहुत परेशानी थी और मेन रीजन मेरा यह था कि मैं कहीं ना कहीं मेरा सब कुछ अनरिवाइज था, बहुत कुछ अनप्रिपेयर्ड था, सीरियसली नहीं पढ़ा था। अब स्टार्ट होती है जर्नी टू क्रैक आईआईटी इन 1.5 मंथ्स। क्या क्या एग्जैक्टली किया था सुनो बात को। ये मेरे पुराने मोबाइल की फोटो है, ठीक है, ये मेरी मम्मी सारी बुक्स जे मेन्स के बाद निकाल लेती, इतने सारी बुक्स थी। अब इतने सारे बुक्स मुझसे भाई 1.5 महीने में आप कितना कवर कर लोगे, 3 सब्जेक्ट हैं, एक बुक नहीं कवर हो सकती आपसे। बट मैं था कि भाई करना है, मुझे लगता था कि मेरे पास कैलिबर है और मैंने कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं पढ़ लेता हूं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, ये मेरे अंदर बिलीव था। टीचर्स ने तो कह ही रखा था इसका नहीं निकलेगा, वो सब मैंने इग्नोर माना, मैंने खुद की बात सुनी। सबसे स्टेप वन मैंने क्या किया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में सबसे पहले कोई भी बुक का मैंने इंडेक्स निकाला, टिक मार्क करना स्टार्ट किया भैया कौन से चैप्टर्स हमको आते हैं। ऑब्वियस ही बात है भाई पूरी फिजिक्स तो नहीं आती थी, 11th का थोड़ा सा ज्यादा आता था, 12th के कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे थे जे मेंस के तैयारी करते वक्त, तो मुझे जिन जिन चैप्टर्स पे कॉन्फिडेंस था उन उन चैप्टर्स में सीधा मैंने टिक मारना स्टार्ट किया, टिक मारना स्टार्ट किया। और जिन जिन चैप्टर्स को मेरे को थोड़ा मेरे स्ट्रांग थे उन चैप्टर्स के लिए सारे मटेरियल्स को गिव अप मारा, सारा मटेरियल्स को हटाया, सिर्फ एक मटेरियल सॉल्व किया, वो था आपके सामने जेई एडवांस पीवाईक्यूज। ठीक है, मैं यहाँ पे बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास बुक थी 45 इयर्स या 40 इयर्स की वॉट एवर, वो जो जो चैप्टर्स मेरे स्ट्रांग थे उन चैप्टर्स के सारे पीवाईक्यूज, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, मैच द फॉलोइंग इंटीजर, सारे क्वेश्चंस लगा डाले, सारे क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे थे, स्ट्रगल किया, कोशिश की, सोल्यूशन देखा, वीडियो सोल्यूशन देखा, खुद खुद बनाने की कोशिश करी, एंड इनको मैं रिपीटेडली करता गया, रिपीटेडली 1.5 महीने करता गया करता गया करता गया। जो जो चैप्टर्स मेरे स्ट्रांग थे उन सारे चैप्टर्स के जे एडवांस के पीवाईक्यूज करता गया और सच्ची बता रहा हूँ मेरे को पैटर्न नजर आने लगा। मुझे लगता था जे एडवांस में सारे टीचर्स कहते हैं अबे जे एडवांस में तो नए क्वेश्चंस आते हैं पुराने क्वेश्चंस नहीं आते, वो सच कहते हैं, बट मैं जब क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कर रहा था मैंने ये पैटर्न देखा कि जो कॉन्सेप्ट है कि इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूले से इक्वेट कर लेना है, फिर इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से इक्वेट कर लेना है, वो पैटर्न वो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग लैंग्वेज में सेम ही चीज पूछी जा रही है। ये मुझे एक बार सॉल्व करके नहीं आया, दो बार सॉल्व करके नहीं आया, 3 से 4 बार जब मैंने जे एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया उन उन चैप्टर्स का जो चैप्टर्स मेरे स्ट्रांग थे, मैंने देख लिया कि यार ये जो सब्जेक्टिव में आया, जो 1980 में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है 2016 में, तो वही क्वेश्चन था, लैंग्वेज चेंज थी बट जो एक्चुअल सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली सेम है, बस वैल्यूज चेंज है। तब मैं बहुत सारी चीजें सीखने लगा, मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया भाई, टाइम तो था नहीं और कॉन्फिडेंस नहीं था खुद में, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था खुद में कि भाई मैं मॉक टेस्ट देके कुछ मार्क्स ले आऊंगा, मुझे पता था यार जे एडवांस में इतने टफ टफ क्वेश्चन है कहां से मैं ढंग से प्रैक्टिस करूं।
कोई कोर्स वोर्स नहीं खरीदा, सिर्फ इनको, ये फिजिक्स का, वही केमिस्ट्री का, वही मैथमेटिक्स का। हाँ, इसके साथ साथ टीचर्स के नोट्स पढ़ लिए जो मैंने बनाए हुए थे, रिवीजन वही से करता है इंसान, थ्योरी का नोट्स वहां से पढ़ लिए, और जो जो क्वेश्चंस, जो जो चैप्टर्स मुझे ओके ओके लगते थे, जो चैप्टर्स ओके ओके लगते थे, उनके मैंने मेंस की भी वाई क्यू कर लिए थे, उनके मैंने मेंस की भी वाई क्यू कर लिए थे। बट प्राइमरली मेरा 90% फोकस सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस की भी वाई क्यूज पे था। अब तुम सोचो, अच्छा मैं भी कर लूंगा तो मेरी भी, मेरे पे सिलेक्शन हो जाएगा, सुनते चले जाना, पहले तुम मेरा एक डिटर्मिनेशन में देख लो। उन 1.5 महीनों में, उन 45 डेज में, मेरा एक थम रूल था, हर दिन 5 पैक का जेल पेन आता है ना, 5 पैक का जेल पेन आता है, हर दिन मैं एक रिफिल खत्म करूंगा। ये रियल फोटो नहीं है, ये रियल फोटो नहीं है, ऐसे नेट की फोटो है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ली गई है। मेरा टारगेट था, मैं इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, सुबह से लेकर रात तक एक 5 पैक का पेन की रिफिल खत्म करनी है, मतलब करनी है। अब तुम सोच लो मैंने कितने घंटे पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं है, मैंने इस हिसाब से मैं पढ़ता था, और मेरा लिटरली गुच्छा बन गया था पहले, पूरे रिफिल्स का गुच्छा बन गया था। तो कहते हैं 3-4 कितने सब रिफिल है, लिटरली आई हैव 45 रिफिल्स का गुच्छा बना था मेरे पास, और उनको जब मैं देखता था तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलती थी। वैसे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था, बट जब मैं देखता था भाई इतने सारे पेन की रिफिल्स को खत्म किया है, वो मेरे को होप देता था कि शायद मैं निकल सकता है। फिर मैंने एग्जाम दिया, ये रियल फोटो, ये मैंने स्टेटस डाला था, व्हाट्सएप का स्टेटस डाला था, रैंक भी बताऊंगा आपको, ये व्हाट्सएप का स्टेटस है, देखो ये कोई नेट वगैरह का नहीं है, मोबाइल से खींचा हुआ, देखो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू क्वालिफाइड जे एडवांस 2018 विद डिटेल्स गिवन अबव। ठीक है, डिटेल्स मैं थोड़ा तुमको बता देता हूँ, डिटेल्स, रैंक मेरी एग्जैक्ट रैंक नहीं पता, बट मेरी 18,000 कुछ करके रैंक आई थी। 18,000 में जे एडवांस क्रैक जरूर हो गया, IIT नहीं मिला। अच्छा, मतलब सर आप इतनी मेहनत करने के बाद IIT तो मिला नहीं, तो फालतू क्यों ज्ञान दे रहे हो, बात को सुनना। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को मेरी 18,000 इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में था। जब जे एडवांस के एक दिन पहले मैं सोया ही नहीं, मैं सोया, मुझको नींद ही नहीं आई, मैं रोता रहा, मम्मी पापा के साथ बैठ के लेटा, मम्मी पापा साथ लेटने की कोशिश की, मैं नहीं सोया, इतना रोता था, नहीं होगा सर, 2 साल बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया। मैं लिटरली 2 घंटे सोया हूँगा, फिर सब सुबह उठा, डैडी पापा ने उठाई, बेटा चलो जे एडवांस एग्जाम देना है, एंड मैंने कहा पापा मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है। पेपर वन तो जैसे तैसे मैंने दे दिया था, पेपर टू तो मुझसे दिया ही नहीं जा रहा था, इतनी स्ट्रांग नींद आ रही थी, लिटरली मेरे को ना ब्लरी दिख रहा था, सब धुंधला धुंधला दिख रहा था मेरे को, इतनी तेज स्ट्रांग नींद आ रही थी। 6 घंटे पेपर, जब आप सिर्फ 2 घंटे की नींद है और 6 घंटे का पेपर है, आसान नहीं होता। एंड मैंने पेपर टू में बहुत नेगेटिव्स किए थे, बहुत नेगेटिव्स किए थे, बहुत आते आते क्वेश्चंस नहीं कर पाया। पेपर टू वेंट वेरी बैड, पेपर वन गुड वेंट गुड। तो मैं अगर इसमें मैंने हिसाब लगाया था कि अगर मैं 10 मार्क्स और ले आता, 10 मार्क्स और ले आता तो मेरी रैंक अच्छी बन जाती, 11,000 10,500 इतनी करीब आ जाती, 11,000 10,500 में कोई ना कोई IIT मिलने लग जाता, कोई नॉर्मल सी 5 ईयर कोर्स, कुछ भी कोर्स एटलीस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता, 10 मार्क्स की बस एक बात थी। तो इसलिए नहीं कि भाई मैंने मेहनत कम डाल दी थी, कि भाई मैंने जे एडवांस के ये सफिशियंट नहीं था, ऐसा नहीं है, मैंने ये सब पढ़ाई करी थी। मुझे लगता है काश मैं अपने आप को बता सकता कि तुमने जो पढ़ा है वो सफिशियंट है, मैं सेल्फ डाउट में चला गया, मैं नींद नहीं ले पाया, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरी 18,000 आई, वरना ट्रस्ट मी बहुत अच्छी रैंक आ सकती थी, बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा, इतनी रैंक आ सकती कि मैं IIT क्रैक हो सके। मेरे को एक सबसे स्ट्रॉन्ग लेसन जो मैं अपनी ट्रू स्टोरी से बताना चाहता हूँ, मैंने एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स करने की ताकत समझ ली थी, ठीक है, ताकत समझ ली थी एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स, अगर आप करते रहोगे आपको एक पैटर्न मिलने लग जाता है, फिर आपको हर चीज नई लगती है, आप नया क्वेश्चन को किसी ओल्ड क्वेश्चन से रिलेट करने लग जाते हो कि अच्छा जी जो नया क्वेश्चन है ये कभी किया नहीं है, बट इससे 40% मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो आप कर ले जाते हो, इसकी रियल पावर मिली। मेरा एक फ्रेंड था शांशुधर द्विवेदी नाम है उसका, IIT बॉम्बे, अब तो ग्रेजुएट हो गया होगा, ठीक है, वो मैं से 1 साल पहले चला गया था IIT, क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था, क्योंकि मेरा IIT हुआ नहीं, 18,000 रैंक में मेरे को IIT तो मिला नहीं, फिर ड्रॉप लिया, फिर IIT मिला मेरे को। बट मेरा जो फ्रेंड है शांशुधर द्विवेदी, IIT बॉम्बे में उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, उसकी भी यही आदत थी। उसने क्या क्या करता था, जैसे सिंगेज, सिंगेज मैथ, सिंगेज फिजिक्स, इसने इतनी बार वो लगा रखी थी बुक, लिटरली सब सर क्वेश्चन कराते थे, वो ऐसे करता था, अरे ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना सिंगेज का है, इस चैप्टर पेज नंबर ये, इस लेवल का उसने प्रैक्टिस कर रखी थी। सिंगेज को उसने 3 टाइम्स किया था, मुझे याद याद, अब हमको 3 टाइम्स बोलता था, खुद कितनी बार किया होगा पता नहीं, टॉपर्स का मुझे आइडिया नहीं कि वो पता नहीं झूठ भी बोलते हैं, ये तो सच है, 3 टाइम्स बोल रखा है, क्या पता 4 टाइम 5 टाइम कर रखा हो, रटी हुई थी उसको सिंगेज। तब मैं समझ गया कि इतना मुश्किल नहीं होता है जे एडवांस ऐसे एग्जाम क्रैक करना, पैटर्न डिटेक्ट करना है और रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने,
और उस टाइम 1.5 महीने में मेरे पास रेलिवेंट सोर्सेस नहीं थे, यही मेरे पास रेलिवेंट सोर्स था, वो था जे एडवांस की वाइकिंग्स। ठीक है, बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, 15 जून से रेलेवेंट कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्च हो रहा है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बहुत ज्यादा गाइड करना है, बहुत सारी चीजें बतानी है, और मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं जब कोई चीज पढ़ता था मैं इस इंटेंशन से पढ़ता था कि मुझे वो चीज समझनी है बस। मैं कोई बहुत हाई आई क्यू वाला बंदा नहीं हूं, मैंने कोई भी उससे पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एनटीएससी ओलंपियाड नहीं क्रैक किया है, बट IITian हूं मैं। क्यों IITian हूं? क्योंकि एक क्वालिटी थी, ये लेसन मेरे पास था, और दूसरा लेसन मैं जब कोई चीज पढ़ता था इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता था कि मैं उसको कैसे रिटेन कर पाऊंगा, एंड तक कैसे याद कर पाऊंगा। ये नहीं कि बस आज का समझ में आ गया, आज आंसर निकल गया है, इस हिसाब से नहीं। आज समझा है तो इसको मैं लेट से 1 महीने बाद फिर से रिकॉल करूंगा तो कैसे रिकॉल करूंगा, कैसे मैं देर तक रिटेन कर पाऊंगा, इस एटीट्यूड से मैं पढ़ता था। और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करूंगा मैं वीडियो में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।